जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, और स्टडी के हवाले से खैरियत से तो कम ही होते हैं वैसे, क्योंकि पढ़ने से पाकिस्तानी स्टूडेंटों को बड़ा डर लगता है। लेकिन चले, खैर डर लगता है या नहीं लगता, पढ़ना तो पढ़ना ही है। तो बायोलॉजी की 9th क्लास की हम बोर्ड की 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है हर स्टूडेंट को समझना। सिर्फ बायो ही नहीं बल्कि मैथ है, कंप्यूटर है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, आपको तमाम सब्जेक्ट की जो स्कीम्स के बारे में पता हो, ताकि आप लोग सही तरीके से चीज़ों को जान सके और तैयार कर सके। मेरे चैनल पे जितने भी न्यू कमर हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम स्कीम की तरफ आते हैं कि हमारे पास MCQ किस किस यूनिट में से आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन किस में से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस में से आएंगे, और किसको अगर हम मिस भी कर दें, छोड़ भी दें, तो हमारी जान जो है वो छूट सकती है। तो हमारे पास टोटल यूनिट 9 है जो बायोलॉजी के, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 उसमें MCQ 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 उसमें 1 MCQ 3 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQ, चैप्टर नंबर 5 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 6 में से 1 MCQ, 7 में से 1, 8 में से 1 और 9 में से 2 MCQ, और टोटल हमारे पास ये 12 MCQs होंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन, और वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड यूनिट नंबर 5 में से आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 में से भी 2 होंगे, 3 में से भी 2 होंगे और 5 में से भी 2 होंगे। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और हमें करने पड़ेंगे 5, हमें अटेम्प्ट करने, और 3 इसमें से हम मिस कर सकते हैं, और उस 3 के लिहाज से आप कोई एक यूनिट भी मिस करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी हमारे पास 6 आते हैं और 1 चॉइस में आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन के इतबार से, और चैप्टर नंबर इसमें 4, 6 और 7 है। 4 चैप्टर में से 3, 6 चैप्टर में से 3 और 7 चैप्टर में से 2, और ये भी टोटल 8 बने, और हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 5। तो 5 हमारे पास 10 मार्क्स, ऊपर वाले 5 10 मार्क्स। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, शॉर्ट क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 8 और 9 में से। इसका मतलब है कि हमारे पास ये 8, 9 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन के इतबार से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के इतबार से भी। 4 क्वेश्चन 8 चैप्टर में से और 9 क्वेश्चन हमारे पास 4 चैप्टर में से, और अटेम्प्ट हमने करने हैं 5 क्वेश्चन, और 3 हमारे पास चॉइस है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूनिट्स को मिस करेंगे। अगर आपने ये सारे यूनिट्स और सारे बुक को तैयार किया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी किसी की कोई कमी बेशी रहती है तो मैं ये बताऊंगा कि जो आपके MCQs हैं, ये मोस्टली जो आपकी एक्सरसाइज में से दिए हुए हैं MCQs, उसमें से 9 से 10 MCQ तो आपके वही आते हैं, बाकी रह जाते हैं जो 2 या 3 MCQ, तो उसमें से ये जो आपकी डेफिनेशन है बुक के अंदर से, जो कोई चीज की डेफिनेशन के अंदर से वो MCQ बना सकता है। तो इसलिए ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, जबकि हमारे पास अगर 9 से 10 दुरुस्त हैं, और अगर जो 1 और 2 है तो उसमें हमें तुक्का भी लगाना पड़े तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं बताऊंगा कि हम कैसे किसी चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि हमें अगर 10 तो कंप्लीट आते हैं या 2 रह जाता है या 1 रह जाता है, लेकिन उसकी हमें समझ नहीं आ रही, तो हम उसको कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे कौन सी आपसे ज्यादा दुरुस्त है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट जो एक नई वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम जो MCQ में तुक्का कैसे लगाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में, तो ये 1 है और ये 4 है। इसका मतलब है कि हम 1 को भी अच्छी तरह तैयार करें और 4 को भी, क्योंकि वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का भी हिस्सा है और
लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन, ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से ये 6 है और चैप्टर नंबर 7 में से ये हमारे पास 7 है। अब ये 6 एंड 7, तो ये 6 7 में से हमारे पास ये कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब अगर ये दोनों पार्ट को करें तो इसको मिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में। अब ये 9 के अंदर ये देखें हमारे पास लॉन्ग भी आ रहे हैं और शॉर्ट भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। अब आप पर डिपेंड करता है कि इनमें से आप कौन सा ड्राप करना चाहते हैं, चाहे पहला करें चाहे दूसरा करें या तीसरा करें, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने नहीं है ना सारे के मार्क्स आने हैं, तो मार्क्स तो सिर्फ दो क्वेश्चंस के हैं कि हमारे पास ये भी 9 मार्क्स, ये 9 मार्क्स, 18 ये है, 30 ये है और 12 ये है और टोटल हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर है जो हमने सॉल्व करना है। तो इसलिए स्टूडेंट जो मोस्टली ख्याल करता है कि इसमें से हम जो ज्यादा कर लेंगे या इसमें से कम कर लेंगे तो हमारे नंबर पूरे आ जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं होगी, जिसमें जितने कहे गए हैं उसमें उतने ही साल होंगे। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो अटेम्प्ट करते वक्त अगर उसने ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का किया है तो वो बी पार्ट भी साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का ही करेगा। अगर उसे एक पार्ट आता है और दूसरे पार्ट के बारे में उसे समझ नहीं या वो भूल गया है या जहन से निकल चुका है तो फिर उसको किसी भी सूरत में पांचवा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए। फिर उसे क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जिसमें से दोनों पार्ट बिल्कुल क्लियर है कि उसे श्योर शॉट है कि ये 100% मैं इसको कंप्लीट मैं सॉल्व कर लूंगा, तो उसे वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप लोगों में ये चॉइस में एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपके पास टोटल क्वेश्चन 8 है लेकिन आपको श्योर शॉट है कि 4 जो है वो बेहतरीन आते हैं लेकिन एक ऐसा है कि अगले 4 या तैयार नहीं हो पाए या उसमें से हमने करने 5 है लेकिन आते 4 है, तो फिर उसमें हमें पांचवे के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए कि हमारा वो पांचवा भी क्लियर हो जाए तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो हमें मार्क्स भी दे दे। तो उसमें ये है कि जब भी आप लोग ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 तो आपको कंफर्म है कि वो 100% उसमें एक तरह की भी कोई गलती आपके जहन में नहीं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर पांचवा आपके पास है तो आप लोगों ने पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, और ये आपको काफी बार इन चीजों के बारे में साथ साथ बताया जाता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें और कौन सी पेपर में बार बार आ रही है, 16 में कौन सी आ रही, 17 में कौन सी आ रही, 18 में या 19 में। तो फिर उस वक्त आप लोग वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होता है। अगर आप ये देखिए, ये इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपको नहीं आता तो फिर कोई ना कोई सूरत निकाल ली ना उसको पेपर के अंदर शामिल करने की और अपनी कमी को दूर करने की। जिसने तो पूरे किए हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस है और वो नहीं हो रहा है और मे बी या तीसरे यूनिट में से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है या पांचवे में से, उसने ये चीज पहले मद्देनजर रखनी है कि अगर उसको 3 में से सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते तो वो पहले 3 को ही सॉल्व करेगा, अगर उसको 4 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते जो उसने 5 अटेम्प्ट करने हैं तो वो 4 को ही अटेम्प्ट करेगा, लेकिन उस पार्ट को उस क्वेश्चन को एंड पर लेके जाएगा जो उसमें से उसको एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा या दो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो फिर उस सूरत में क्या करेगा कि पहले उस सवाल को अटेम्प्ट करेगा जो 100% कंप्लीट आता है। जब वो आ जाएगा आने के बाद अब वो एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया या दो रह गए तो उसको यूनिट में से उसमें आप जहन में रखेंगे ये 4 में कौन सा है जो मुझे 50% आता है अंदर से और 50 बोल रहा है, या कौन सा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट हुआ है और इसके बारे में कुछ ना कुछ मुझे अंदाजा है, तो आप लोग वैसे क्वेश्चन को फिर अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो आपकी पिछली प्रेजेंटेशन देखता है कि ये स्टूडेंट कितना अच्छा रहा है हर क्वेश्चन में। अगर वो ये देख रहा है कि ये स्टूडेंट तो हर क्वेश्चन में
बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और वहां पे पेपर्स को चेक करने की इतनी स्पीड होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो उसको एक एक को पढ़ के नहीं जा रहा होता, बल्कि उसको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा स्टूडेंट उसकी कितनी ग्रिप है पेपर के अंदर, और उसको उसका पेपर का अटेम्प्ट करने के मेथड से उसे पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट कितना लायक है, और जितना वो लायक स्टूडेंट, जितनी उसकी हैंडराइटिंग साफ होती है, उतनी स्पीड के साथ वो पेपर को चेक करता है। तो आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन या दो उसको इसी तरह सॉल्व करना है कि अगर आपके जहन में आ गया कि ये 50% आता है तो पहले उसको पकड़ ले, या अगर आपको वो भी नहीं आता तो फिर आपने पकड़ना है कि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आया है और इसको मैं अपनी तरफ से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको उनको वैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से भरपूर फायदा उठाएंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।